मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। अभी हम सिवान के अयोध्या चित्रकला में खड़े हैं। लंबे इंतजार के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और आज अयोध्या चित्रकला में लड़कियां अपने हाथ से राखी बनाई है भैया को बांधने के लिए। आइए हम बात करते हैं कि कैसा लगता है लोगों को अपने हाथ से राखी बनाने बनाकर लगाना। ये बताइए, आपने खुद से राखी बनाया, क्या बनाया? मैंने एक्चुअली सैंटा क्लॉज बनाया है। ये मार्केट में काफी एक्सपेंसिव मिल रहा है, इसलिए हम लोग खुद से बनाए और इसे अपने भाइयों को देंगे और उसे काफ़ी सारे पैसे कलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने अपने हाथ से बनाया है। तो मुझे लगता है दिस राखी वेरी स्पेशल फॉर माय ब्रदर्स। जी, राखी का मतलब लंबे इंतजार के बाद शौक रहता है कि हम लोग कुछ गिफ्ट मिलेगा भाई से, कुछ पैसे मिलेंगे, ये भी रहता है। और लोग भी यहाँ में उनसे बात करते हैं कि हाँ आपने क्या बनाया है। हम गणपति भगवान का बनाया राखी, और राखी सबसे अच्छा त्यौहार है भाई बहनों के लिए। राखी दोनों भाई बहनों का प्यार एकत्रित होता है और कहीं भी भाई रहे अपने बहन के लिए आते हैं राखी बंधवाने के लिए। राखी बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है भाई बहनों के लिए। और लोग भी इनसे हम बात करते हैं, बताइए आपने क्या बनाया है भाई, शौक से राखी बनाया? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आराध्या चित्रकला द्वारा हमें ये मौका दिया गया और पिडलाइट ने जो ये किया कि हम अपने भाइयों के लिए खुद से राखी बनाए, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते जो मार्केट में राखी है। और बहुत अच्छा लग रहा है, और थैंक यू रजनीश सर कि वो यहाँ पर हम लोग को मौका दिए कि हम अपने भाइयों के लिए खुद से राखी बनाए। और ऑफकोर्स इतना महंगा बनाया है तो पैसा कलेक्ट करना तो बनता है। कैसा लगा राखी बना के? राखी बना के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सरप्राइज रहेगा मेरे भाइयों के लिए कि इतनी महंगी राखी मिल रही है, फिर भी हमने जो हमने बनाया है वो उन राखियों से कम नहीं है जो लग रहा है कि हाँ हमने बहुत महंगा जो खुद से आपने बनाया है मार्केट अपेक्षा देखा जाए तो ये कम में है। और दिखने में बहुत अच्छा लगता है, जो ट्रेडिशनल राखी होते हैं उन्हीं की तरह। ये और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि बड़ी शौक से राखी बनाए हैं। और लोग भी, हाँ बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राखी बना करके, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार एक साल के बाद आता है और मतलब भैया जो हम अपने हाथों से राखी बनाए हैं उनको बहुत अच्छा लगा कि हमारी बहन हमारे लिए अपने हाथों से राखी बनाई है। हाँ बताइए, आपने क्या बनाया? मैंने भी एक राखी बनाया अपने भाइयों के लिए, जो कि बहुत कम रेंज में आराध्या चित्रकला में कलेक्ट कर पाए। और लोग भी यहाँ पे बोलने के लिए, हाँ क्या बनाई है बताइए? मैंने अपने भाई के लिए बहुत, हाँ देखिए कितनी अच्छी राखी है जो फोटो लगा के बनाई है। बहुत यूनिक है, फोटो लगा के ऐसे मार्केट में नहीं मिलती, लेकिन अपने भाइयों के लिए मैंने फोटो लगाकर और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिजाइन भी डालकर मैंने। हमारे साथ इस आराध्या चित्रकला के डायरेक्टर रजनीश जी भी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि हर त्यौहार में कुछ न कुछ नया करते हैं आराध्या चित्रकला में, और रक्षाबंधन का त्यौहार है और बहुत शौक से लड़कियां राखी बनाई है। क्या इनको शौक रहा कि रक्षाबंधन में राखी का मतलब कंपटीशन किसी कंपनी के द्वारा रखा जाए? तो हम बात करते हैं यहाँ से रजनीश जी। हाँ रजनीश जी, सरकार ने आपका स्वागत है। ये बताइए कि आज किस कंपनी द्वारा यहाँ पे रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी बनाई जा रही है? ये आराध्या चित्रकला है और यहाँ पे पीडीलाइट कंपनी द्वारा मतलब एक दिवसीय राखी बनाना सिखाया गया है और इसका कंपटीशन भी दिया गया है। बहुत बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत खुशी लग रही है कि मतलब यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट बच्चे किए हैं सब अच्छे अच्छे राखी बनाए हैं। अगर बात करें मार्केट में भी राखी अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमत पे अवेलेबल है। और यहाँ पे जब लड़कियाँ और बहनें जो हैं वो राखी जो बना रही है उसमें अलग उत्साह है, क्योंकि ये राखी खुद से बनाया हुआ है जो भाइयों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि लड़कियां जो खुद से राखी बनाई है जब अपने भाई के हाथ से बांधेंगे तो खुशी होगी कि हम मेहनत करके अपने हाथ से राखी बनाए हैं जो अपने भाई को हाथ में बांधेंगी। सिवान से अमित कुमार। हाँ तो हमको कोई दिक्कत नहीं। सबको ये स्टैच्यू होगी।